सुकमा हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर में हैं, जहां पर वो अस्पताल में घायल जवानों से मिल रहे हैं। गृह मंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उनके साथ गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कल हुए हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे और उसके बाद वहां मौजूद जो घायल जवान अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि बीते रोज सुकमा में नक्सली हमला हुआ था। 300 नक्सलियों ने मिलकर हमला किया, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए और 8 जवान अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, काफ़ी गंभीर स्थिति में है। और इन्हीं घायलों से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह अस्पताल पहुंचे और वहां मौजूद उनके परिजनों से भी मुलाकात की, घायलों से वो मिले, उनसे बातचीत की और फिर परिजनों के साथ उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की। तो सुकमा हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज रायपुर पहुंचे हैं और फिलहाल वो अस्पताल परिसर में ही हैं। इससे पहले उन्होंने पहुंचने के बाद जो जवान कल शहीद हो गए, 25 जवानों ने कल शहादत दी इस हमले में, उन जवानों को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो सीधा अस्पताल पहुंचे। तो आपको बता दें कि कल छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ है और पिछले डेढ़ महीने की अगर बात करें, गौर करें, तो दो बड़े हमले हुए हैं, जिसमें दूसरा हमला कल हुआ। 300 नक्सलियों ने घात लगाकर इन जवानों पर हमला कर दिया। एक रोड का निर्माण हो रहा था और उसी दौरान उसकी सुरक्षा में तैनात थे वहां पर ये तमाम जवान और अचानक ही इन्होंने पहले IED ब्लास्ट किया और उसके बाद फायरिंग करना शुरू कर दिया।